ये सब इंसान है, ऐसे एक्शन ये था उनका, ये सब इंसान है, आगे वाले इंसान नहीं है। मैंने ये बोला था कि भगवान जितनी तेजी से ऊपर पहुंचाता है ना, उतनी तेजी से नीचे घमंड नीचे पहुंचा देता है। बिल्कुल, क्योंकि किसी यूट्यूबर भैया ने मेरे से पूछा था कि कल को आप भी फेमस हो जाते हो तो कहीं आप में भी तो घमंड नहीं आ जाएगा। ये सब मेरे आगे जो पार्ट लगती है, मेरा शुक्रिया अदा मनाते हैं कि आपकी वजह से हमारी रोजी रोटी चल रही है, काम मिला हमें, डेली आके मुझे नमस्ते करते करते ऐसे बोला उन्होंने। चंद्रिका मैम ने एक बात बोली थी, क्या आपने बोली थी कि जितना ऊपर जाएंगे उतनी तेज नीचे आएंगे, तो उनके बारे में उन्होंने काफी आपके बारे में बोला, तो आपको मतलब क्या बोलना चाहेंगे आप? भैया जो वीडियो वो सबने देखी है, आपने भी देखी होगी क्योंकि काफी व्यूज उनके आए हैं जिन भैया ने वो वीडियो डाली है, तो उसमें ये उन्होंने, मैंने ये बोला था कि भगवान जितनी तेजी से ऊपर पहुंचाता है ना, उतनी तेजी से नीचे घमंड नीचे पहुंचा देता है। बिल्कुल, क्योंकि किसी यूट्यूबर भैया ने मेरे से पूछा था कि कल को आप भी फेमस हो जाते हो तो कहीं आप में भी तो घमंड नहीं आ जाएगा, तब मैंने बोला था नहीं भैया मेरे में बिल्कुल घमंड नहीं आएगा, जैसे मैं आज वैसे मैं आगे भी रहूंगी, समय का इंतजार कीजिए, अभी मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कह सकती हूँ। तो इसलिए और मैंने ये अपने लिए बोला था कि मैं जितनी ये आपने अपने लिए बोला था कि जितनी तेजी से ऊपर जाएंगे उतने से नीचे भी गिर सकते हैं, घमंड हमारा उतनी तेजी से हमें नीचे गिरा देगा, पर उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, आवाज नहीं होती है, उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। तो वो वीडियो डाली थी, इतनी सारी कार्ड्स लगती है, सब बड़ा पाव है, किसी ने अपने ऊपर क्यों नहीं लिया? सामने आंटी जी वो कितनी फेमस है, कितना रश है उनके पास, कितना अच्छा टेस्ट है उनका, उनके ऊपर क्यों नहीं लिया, उन्होंने क्यों नहीं लिया अपने ऊपर? बिल्कुल, उसमें वीडियो में नाम ही नहीं है किसी का, नाम ही नहीं है उसमें, क्यों लिया? बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आप मानते हो क्या ये चीजें, इसलिए आपने अपने ऊपर ली, मतलब ये आप मानते हो ना कि मैं जितनी ऊंची गई हूँ उतनी नीचे आ भी सकती हूँ, या मेरे अंदर घमंड है, या शायद इसलिए आप ये पॉइंट को अपने ऊपर ले गए। अगर किसी ने ऐसी लाइन बोली होती मैं तो अपने ऊपर नहीं लेके जाती, जब तक वो मेरा नाम लेके या मेरे को मुंह पे आके नहीं बोलता मैं तो नहीं लेके जाती। और एक चीज और सुनी कि मतलब ये जो लाइन वाले हैं ये इंसान नहीं है, ऐसा कुछ भी सुना है मैंने? एग्जिट मैंने ये वीडियो देखी है उनकी, उसमें इन्होंने बोला है सेकंड वीडियो में कि ये सब मेरे आगे जो पार्ट लगती हैं, मेरा शुक्रिया अदा मनाते हैं कि आपकी वजह से हमारी रोजी रोटी चल रही है, काम मिला हमें, डेली आके मुझे नमस्ते करते करते हैं, ऐसे बोला उन्होंने। ये सब इंसान है, ऐसे एक्शन ये था उनका, ये सब इंसान है, आगे वाले इंसान नहीं है जो यहाँ आगे लगाते हैं जी। इस पॉइंट पे मुझे लगा कि वाक्य में घमंड है, बस वो ये चाहती हैं कि हम उनकी बस तारीफें करते रहें, उनको सलाम करें, उनको सैल्यूट करें। एग्जैक्ट, रोटी सब खाते हैं, बिल्कुल ये पॉइंट भी उन्हीं का ही है कि रोटी सब खाते हैं, सबको पता है ये यहाँ पे पब्लिक क्यों आई है, ये कार्ड्स यहाँ पे क्यों लगी है, सबको पता है, लेकिन आप ये चाहते हो कि नहीं हम आपके भजन गाते रहे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना? नहीं ऐसा हो सकता है, लेकिन साइलेंस ही भी तो कुछ होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको क्रेडिट दे रहे हैं इस बात का, लेकिन वो चाहते हैं कि प्रॉपर आके करें, वो चीज गलत है, वो चीज गलत है। अपना खुद का बना रहे हैं, खुद मेहनत कर रहे हैं, आप क्रेडिट, इतना क्रेडिट आपका है, आपको जाएगा, आपको जाएगा, क्योंकि आपने स्टार्ट किया तो 100% तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है कि आपकी वजह से कितने लोगों की रोजी रोटी बन गई, तो ये जताने वाली क्या बात है, नेकी कर कुएं में डालने वाली बात होती है, नेकी करने के बाद आप गादो सब मट्टी है, मट्टी है बिल्कुल। मैं कल वीडियो देख रहा था, उसमें ये भी था कि ना अब जो पहले वाली लाइन लगती थी ना वो बिल्कुल अब कम हो गई है, मतलब अब लोग भीड़ लगा के जो खाते थे ना पहले, अब वो बिल्कुल अब बट गई है वो, तो ये तो पब्लिक से पूछी है, और जैसे कि वो कहती है मेरे टेस्ट की वजह से पब्लिक आ रही है, तो फिर क्यों नहीं आ रही है या क्या है ये चीज, अब आप सोचिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ यूट्यूबर भैया की वजह से मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं दूर दूर से, और टेस्ट करने के बाद रिपीट आ रहे हैं, मतलब टेस्ट करते हैं तो रिपीट आते हैं, वो टेस्ट की वजह से ही आते हैं।